गाइज इफ यू आर प्रिपेरिंग फॉर महाराष्ट्र एम बी एस सी टी एंड लुकिंग फॉर द टॉप इंस्टीट्यूट इन मुंबई देन गाइज वेल इंको एजुकेशन दी स्कूल शुड बी योर फर्स्ट चॉइस वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑल द प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो आपको काफी अच्छा पैकेज प्रोवाइड करता है गाइज अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूँ काफी नॉमिनेट फी स्ट्रक्चर है नॉमिनेट तो नहीं दूसरे इंस्टीट्यूट से ज्यादा ही है क्योंकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है सिक्स पॉइंट थ्री सिक्स पॉइंट थ्री लैक फॉर टू ईयर्स लेकिन यहाँ आपको पैकेज काफी अच्छा मिलने वाला है अराउंड फिफ्टी टू नाइनटीन लैक पर एन का पैकेज यस गाइज एवरेज पैकेज की बात करूं देन एट पॉइंट एट लैख पर एन का पैकेज यहाँ आपको ईजिली मिल जाएगा तो आर बहुत अच्छी तो नहीं लेकिन काफी अच्छी मिल रही है गाइज ओके okay? अगर आपका जेबी कट नहीं हो रहा है सिडनम नहीं हो रहा है देन गाइज आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जाना चाहिए वेलिकर के लिए सो लेट्स टॉक अबाउट द सीट मैट्रिक्स एंड द कट ऑफ अगर आप इन रिस्पेक्टिव कैटेगरी से बिलोंग करते हो लाइक ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो स्कोर कितना होना चाहिए आपके लिए सीट्स कितनी है ओबीसी से बिलोंग करते हो फिफ्टीन सीट्स है स्कोर क्या होना चाहिए ईडब्ल्यू हर एक कॉलेज में टेन परसेंट रिजर्वेशन होता है कितनी सीट्स है मेरे लिए और आपके लिए कट ऑफ क्या होने वाला है ऐसे कैटेगरी एस टी वीजे एन टी पीडब्ल्यू डी टी एफड्लू एस एनआरआई ओ एम एस सबको लेकर हम बात करने वाले गाइज इन डिटेल सो वॉच दिस पर्टिकुलर वीडियो टेल दी एंड बैचेज भी ऑलरेडी लॉन्च सो इफ यू नॉट जॉइन द क्रैच कोर्स प्रोग्राम कॉल ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर यू कैन ऑल्सो विजिट अ वेबसाइट फॉर द प्री रिकॉर्ड सफ इफ यू आर प्रेरिंग फॉर एम बी एस सी टी एंड वन आर टारगेट टॉप इंस्टीट्यूट्स देन गाइज आपके पास स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए सो वॉच ऑल द स्ट्रेटेजी वीडियोज ऑन द यूट्यूब काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल क्योंकि आपको यहाँ रेगुलर अपडेट्स मिलते रहने वाले एंड यू विल गेट ऑल दिस फीचर्स अंडर लाइव क्लास एंड ऑफलाइन क्लास यू कैन ऑलसो स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर कैट मैट एटमा जैट आई एफ टी सी मैट स्नै एंड अर एम बी एंट्रेस एग्जाम्स गाइज लेट्स चॉक अब दिस सीट मैट्रिक्स एंड कट ऑफ वेट नहीं करना गाइज ज्यादा जनरल कैटेगरी को लेकर ट्वेंटी फाइव सीट्स

institutional quota so out of these 65% seats 45.5% seats are for home university candidate and 19.5% seats are for other than home university candidate so overall cap seats you guys overall cap seats are 96 right 78 seats are there for Maharashtra state candidate among all these categories 78 seats 18 seats are there for एम एस कैटेगरी कैंडिडेट्स ओवरऑल 96 सिक्स सीट्स कैप के थ्रू एडमिश होती है एंड सुप्रिनी सीट्स लाइक ई डब्ल्यू एस के लिए ट्वेल सीट्स है सिक्स सीट्स फ्रॉम टी एफ डब्ल्यू एस ऑफ के लिए एक सीट होती है ये सीटें अलग होती है सो so, इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ओवरऑल वन थर्टी नाइन सीट्स आदि है हिंदू वैलिकर सो फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट नाइनटी नाइन पॉइंट सिक्स थ्री योर रैंक शुड बी बिलो वन नाइनटी एट एंड यू हैव टू स्कोर अराउंड वन ट्वेंटी फोर टू वन थर्टी प्लस बींग महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट अगर वही मैं ओएमएस कैटेगरी कैंडिडेट की बात करूँ तो उनके लिए 18 सीट्स आदे दे 99.76 का परसेंटेज लगेगा बिलो 172 उनका रैंक होना चाहिए एंड योर स्कोर शुड बी 128 ट्वेंटी एट टू वन प्लस गाइज कंपटीशन काफ़ी टफ हो रहा है इस बार वन लैख एंड सिक्सटी थाउजेंड प्लस कैंडिडेट ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है ओके सो so, अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो तो ये आपको ध्यान में रखना है गाइज आपके ओपोजिट में और चार बंदे हैं ओके वन रेस टू फोर एक सीट के लिए चार कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं सो so, अगर आप खड़े हो तो तीन बंदे और भी हैं राइट right? क्योंकि ओवरऑल सीट्स आर 36,000 एंड लुक एट द कंपटीशन वन लैक एंड सिक्सटी थाउजेंड ओके सो आपका जो स्कोर होना चाहिए ओ एम कैटेगरी कैंडिडेट को लेकर वन टू वन प्लस और ये मैं हमेशा कहता होगा इस टू में से वन ले लो टेंशन ही नहीं है आपको फर्स्ट राउंड में ईजिली आपको एडमिशन मिलेगा सबसे पहले आपको मिलने वाला है ओके okay? स्कोर अच्छा आना चाहिए एससी कैटेगरी 11 सीट्स आ दे नाइन्टी सेवन रैंक स्कोर होना चाहिए हंड्रेड एंड सिक्स एस टी फाइव लास्ट ईयर एस सी कैटेगरी को लेकर काफ़ी अच्छा स्कोर अचीव किया था स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइन परसेंटेज अचीव किया था अब उनको मिल रहा है क्योंकि उन्होंने ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको भी पीछे रख दिया था राइट सो आपको कैटेगरी को लेकर नहीं देखना है आपको ये देखना है कि आप स्कोर क्या ला रहे हो आप कौन से रैंक में आ रहे हो परसेंटाइल क्या आ रहा है यहाँ कितनी सीटें हैं उसको लेकर नहीं देखना है आपको ये देखना है कि परसेंटाइल है रैंक है स्कोर है ऑलमोस्ट एक ही बात है अगर ये चीजें आपके पास है देन वो सीट बस आपकी है ठीक है एस टी कैटेगरी फाइव एटी नाइन पॉइंट फाइव जीरो का परसेंटाइल एंड एटी फोर का स्कोर ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट हंड्रेड एंड एटीन विजय एन टी आपका स्कोर होना चाहिए फ्रॉम वन जीरो थ्री टू हंड्रेड एंड एटीन डब्ल्यू एस वन ट्वेंटी वन प्लस का स्कोर वन जीरो टू पी डब्ल्यू डी वन ट्वेंटी फाइव टी एफ डब्ल्यू एस गाइज अगर ट्यूशन फी वेवर स्कीम में आपको हिस्सा लेना है आपको ट्यूशन फी वेव करनी है दैन डेफिनेटली आपको स्कोर अचीव करना होगा नाइन्टी नाइन पॉइंट सिक्स थ्री परसेंटाइज स्कोर होगा वन ट्वेंटी फाइव प्लस ओके ओ एम एस कैटेगरी कैंडिडेट एज आई सेड कि आपका स्कोर होना चाहिए वन थर्टी फाइव टू वन फोर्टी प्लस सो इसका एक स्क्रीन शॉट ले लो गाइज़ ओके okay. और अगर आपको प्लान करना है कि वेलिंगकर में जाना बनता है क्योंकि यहाँ आपको पैकेज काफ़ी अच्छा मिलने वाला है देन गाइज आपको जाना ही चाहिए ओके सो जेबी सिडनम वेलिंगकर टॉप थ्री देन पुम्बा देन सी ये हो गए आपके टॉप फाइव और भी वीडियोज आने वाली है गाइज सो स्टेट भी यूट्यूब चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियोज आपको मिलते रहने वाले हैं आपकी प्रेफरेंस लिस्ट पूरी तैयार हो जाएगी कि आपने स्कोर क्या बनाया है परसेंटाइल क्या आया है अब कॉलेज कौन सी जाना बनता है Okay, guys, so that's all. Which bit I would say? Ask me in the below comment section. And want a preparation? Then call on respective numbers and book your seat right now. For all exam updates and notifications, follow our social media handles such as YouTube, Facebook, Insta, and also our Telegram group. That's all, guys. All the best for your career. See you in the next video.